नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। भूकंप के झटकों से हिला पश्चिम बंगाल, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। जेईई नीट एग्जाम सर शिक्षा मंत्री बोले, छात्र अभिभावक चाहते हैं कि परीक्षा का आयोजन हो। केरल में आज से भक्तों के लिए खुला भगवान पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। एआई एक्सप्रेस ने कहा कि यूएई जाने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। आईसीएमआर ने कहा कि दूसरा राष्ट्रीय सीरो सर्वे सितंबर के पहले सप्ताह में होगा। एनएचआरसी ने मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। ओडिशा में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तकनीकी संस्थान के साथ करार। महासचिव पद भी विवाद का कारण, कई नेताओं को प्रियंका, वेणुगोपाल और माकन को लेकर है आपत्ति। राजनाथ सिंह ने 10,000 कर्मियों के लिए जीवन बीमा योजना को किया लॉन्च, हर कर्मी पर 5 लाख का कवर। अमेरिकी सांसद विल्सन ने कहा कि भारत आर्थिक स्वतंत्रता की सफलता का साक्षी है। पीओके में चीन पाक बांध के विरोध में प्रदर्शन शुरू। थाईलैंड के दबाव में फेसबुक ने ब्लॉक किए लोकतांत्रिक समूह। सुशांत सिंह राजपूत केस में अहम गवाहों को मिल रही जान से मारने की धमकी, कर रहे सुरक्षा देने की मांग। अंकिता लोखंडे ने पारंपरिक अंदाज में की महालक्ष्मी की पूजा, कहा भगवान हमारे साथ है। मिर्जापुर 2 को बॉयकॉट करने की उठी मांग, अली फजल के पुराने ट्वीट को याद कर भड़के लोग। नाराज शाइना, कैंप में नहीं हुई शामिल, पति कश्यप को ओलंपिक शिविर से बाहर रखने पर उठाया कदम। जूडो खिलाड़ी दीपांशु बाल्यान को नाडा ने 22 महीने के लिए निलंबित किया। स्पेन के क्लब बार्सिलोना को अलविदा कह सकते हैं मेसी, क्लब के अधिकारियों को लिखा पत्र। गिरफ्तारी के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान हैरी मैगवा इंग्लैंड की टीम में शामिल। अनदेखी से परेशान हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक डेविड जॉन का इस्तीफा मंजूर। कोरोना का असर, यूपी में पंचायत चुनाव 6 महीने टलना तय, फैसला जल्द। संजीत हत्याकांड में धरने पर बैठे पिता और बहन की पुलिस से झड़प, 8 घंटे रहे हिरासत में। अबू यूसुफ ने किया खुलासा, आईएस में प्रभाव जमाने के लिए दिल्ली को बनाया था निशाना। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर से बंटना शुरू होगी स्मार्ट वर्दी। पुलवामा अटैक केस में एनआईए ने आतंकी हमले में मसूद अजहर और उसके भाई को बताया मुख्य साजिशकर्ता।